वेलकम एवरीवन टू पूजाज किचन। आज मैं आपको बनाने बताऊंगी महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस चटनी जिसको बोलते हैं ठेचा। तो इसके लिए हम ले लेंगे 10 से 15 हरी मिर्ची, इसको अच्छे से धोएंगे और सुखा लेंगे। और लेंगे लहसुन, तो 2 से 3 आपने लहसुन के गांठ ले लेनी है। अब हमने जो हरी मिर्ची है इसको अच्छे से धोया है और फिर इसको सुखा लिया है। अब हम इसके डंठल जो हैं वो अलग कर देंगे। तो लीजिए, डंठल सारी हरी मिर्ची के अलग हो गए हैं। अब हमने लहसुन जो है उसको छील लेना है। तो हमने जो लहसुन है वो मीडियम साइज़ वाला लिया है, ना बहुत मोटा लेना है और ना ही बहुत बारीक। जो है उसको फिर छीलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसका टेस्ट अच्छा रहता है। जो बहुत मोटा वाला लहसुन होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता। अब हमने एक कढ़ाई में ले लिया 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल, आप सरसों का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, उसको अच्छे से जलाना पड़ेगा। अब हमने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून ज़ीरा। जब ज़ीरा अच्छे से भून जाए तो फिर हम उसमें डाल देंगे 1/2 कप कच्ची मूंगफली, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे जब तक अच्छी सी खुशबू इसमें आने लग पड़े जो मूंगफली है, और ये थोड़ी थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी और फटने लग पड़ेगी जब पक जाएगी। तो इसको धीरे धीरे चलाते रहना ताकि जल ना जाए, और जो आंच है वो मीडियम पे ही रखनी है। अब हमने इसमें डाल दी जो लहसुन की कलियाँ, तो ये कम से कम 20 से 25 लहसुन की कलियाँ हैं। अब हमने डाल दी हरी मिर्ची और इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो हमने इसको तब तक भूनना है जब तक जो लहसुन है वो हल्का हल्का ब्राउन होने शुरू हो जाएगा। अब हमने इसमें डाल दिया रॉक सॉल्ट, इसको डालने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है चटनी में। नहीं है आपके पास तो आप नॉर्मल सॉल्ट भी डाल सकते हैं। अब इसको हम हल्का सा पका लेंगे और फिर हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। जब अच्छे से सब कुछ ठंडा हो गया तो हम इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे जो चटनी मेकर होता है, और इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो अगर आपकी मिक्सर में जो है पल्स मोड है तो आप उस पर ही पीसिए, बहुत ज़्यादा बारीक इसको नहीं करना, तभी इसका अच्छा टेस्ट आएगा। और वैसे ट्रेडिशनली इसको खलबत्ते में पीसा जाता है, लेकिन हर किसी के पास वो नहीं रहता, मिक्सी तो ऑलमोस्ट सबके घर में ही होती है। तो लीजिए, जो हमारा थेचा है वो तैयार हो गया है। हम इसको परांठी दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट रहता है। आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई कीजिए।